नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। जिले के सभी थानों में चोरी की वारदातें लगातार होती ही रहती हैं, लेकिन बीते 3 माह में जबलपुर के गढ़ा, तिलवारा, संजीनी नगर, विजयनगर और मढ़ोताल थाना क्षेत्र में बड़ी बड़ी चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया गया और बाकी थाना क्षेत्रों में भी कई सारी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया और लगभग 2.5 करोड़ से की ज्यादा की कीमती के सामान चोरी हुए। चोरों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब उन्होंने इंडस्ट्रीज एरिया को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई में औद्योगिक यूनिट्स में लगातार चोरी की वारदातों से उद्योगपति परेशान हो रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने SP आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की थी कि चोरी की वारदातों को रोका जाए। इसके बाद भी उद्योगपतियों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन चोरी की वारदातें आज भी लगातार जारी है, जिससे उद्योगपति परेशान हो रहे हैं। तो हम तो ये चाहते कि इसमें कार्रवाई जो करी है पुलिस ने, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हमको हमारा माल किसी भी हाल कीमत में वापस चाहिए। और हम लोग अकेले, मैं नहीं, रिछाई के पूरे लोग इस चीज़ों से परेशान हैं। हमने उनकी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी रांझी और CSP रांझी को निर्देशित किया है कि ये तत्काल थाने पहुंच रहे हैं और इनकी चोरी की रिपोर्ट लिखकर, और जिन चोरों ने भी ये घटना किया है CCTV फुटेज के आधार पर, उन चोरों को पकड़ें और जो भी चोरी का माल है उसको जब्त करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।